नमस्ते बेटा, लाओ मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड दो। अभी आपके मुन्ना को आज मैं दूसरा टीका लगाऊंगी, पोलियो की दवाई दूसरी बार पिलाऊंगी, डीपीटी का टीका दूसरी बार लगाऊंगी और हेपेटाइटिस बी का दूसरा टीका आज लगेगा। हेपेटाइटिस बी का है जी? हेपेटाइटिस बी एक गंभीर रूप से फैलने वाला संक्रमण वायरल रोग है, इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ढाई महीने पे लगाने वाला टीका आज और अभी लगा है। अब पूरा टीका खत्म होगा जीजी? अच्छा नहीं भाभी, अभी तो आपको ना 3.5 माह पर आपके मुन्ना को यहाँ लेके आना है, वो 3.5 माह पर फिर तीसरा टीका लगाया जाएगा, उसके साथ पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, डीपीटी का टीका लगाया जाएगा और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाएगा। जीजी टीका लगवाना से मुन्ना बहुत रड़त, तो टीका नहीं लगवाए तो? दूसरे टीकों के साथ ये टीका भी पूर्ण रूप से लगाना है और पूरा लगाना है, पूरे जितने डोज आते हैं वो पूरे लगाना है। जी जी, तुम तो टीका के बजाय दवाई पिलाया करो। अरे भाभी टीका है ना साथ में, ये है ना देखो, ये इंजेक्शन के रूप में ही लगाया जाता है ये टीका। ये देखो इसमें निशान, ये इंजेक्शन का बनाना टीकाकरण के अनुसार ये इंजेक्शन के रूप में ही लगाया जाता है। हाँ तो जी जी, सभी टीका ना के साथ में हेपेटाइटिस को टीको मार मुन्ना का जरूर लगाऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये टीके सभी सरकारी हॉस्पिटलों में, आंगनवाड़ी केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र पे, आरोग्य केंद्र पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सभी जगह ये टीके मुफ्त में फ्री में लगाए जाते हैं। जब भी अपने गांव में टीकाकरण हो ये, तो वो समय आरोग्य केंद्र में या आंगनवाड़ी केंद्र में आप अपने बच्चे को लेके जाइए और वहाँ पे मुफ्त में टीका लगवाइए। कोई बच्चा बच ना पाए, सभी माता पिता अपने बच्चे का टीकाकरण करें। अपनावना वाला बिंदु, हेपेटाइटिस बी को टीको बाड़क हेपेटाइटिस बी की बीमारी से बचावज। हेपेटाइटिस बी का 3 टीका बाड़क लगज। जन्म का तुरंत बाद बाड़क हेपेटाइटिस बी को 0 डोज। 1.5 माह का होना पर बाड़क हेपेटाइटिस बी को पहलो टीको, 2.5 माह की आयु पर हेपेटाइटिस बी को दूसरो टीको, न 3.5 माह की उम्र में हेपेटाइटिस बी को तीसरो टीको लगावज। हेपेटाइटिस बी का टीका सभी सरकारी अस्पताल न उप स्वास्थ्य केंद्र न उपलब्ध रहे। हेपेटाइटिस बी का टीका न ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्र नम बिल्कुल मुफ्त में लगज।